हेलो एवरीवन। तो क्लास 8th की साइंस में हम पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो मेटल्स के बारे में है, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया, फिर उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो नॉन मेटल्स है उनकी जो मतलब उनकी जो तादाद है वो मेटल्स से काफ़ी कम है, जैसे कि अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, जो भी हैलोजन ग्रुप में आता है वो भी नॉन मेटल्स में आते हैं, और जो नोबल गैसेस में आते हैं वो भी नॉन मेटल्स में आते हैं। चलो पढ़ते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, दैट मीन्स कि वो जल्दी, उनको अगर हम ब्रेक करेंगे वो पीसेस में मतलब बीट अप हो जाएंगे, जैसे कि सल्फर, जैसे कि फॉस्फोरस, ठीक है। ऐसी जो नॉन मेटल्स है वो डक्टाइल नहीं होते, दैट मीन्स कि उनको हम थिन वायर्स में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल भी होते हैं, उनको हम किसी शेप या साइज में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हम मेटल्स को करते हैं। ऐसी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, वो होते हैं पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हीट की भी पोअर कंडक्टर्स होते हैं उनमें। तो ऐसी जो ये नॉन मेटल्स है वो किसी भी स्टेट में हो सकती है, जैसे कि आपने यूजुअली देखा कि नॉन ये मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट दिस मर्करी, राइट। तो वैसी जो नॉन मेटल्स है वो होते हैं ज्यादातर, वो मतलब किसी भी स्टेट में होंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनोरस होते हैं, मीन्स कि ये अगर हम इसको किसी से हिट करेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से नॉन मेटल्स को हिट करेंगे, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है लाइक मेटल्स, ठीक है। तो नॉन सोनोरस हुए, और ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एयर में नाइट्रोजन को देख सकते हो, कार्बन को देख सकते हो, ऑक्सीजन को देख सकते हो, ये सारे नॉन मेटल्स है। तो एयर इज ट्रांसपेरेंट, मतलब यू कैन सी एवरीथिंग इन दैट, ठीक है। तो वैसे ही जो मेटल्स है वो मतलब वो ज्यादा ओपेक होते हैं, तो जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये रही बात इनकी नॉन मेटल्स की। तो और इनकी जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो काफी लो होती है, जैसे कि आपने मेटल्स में देखा उनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होता है, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसी इनमें मतलब शाइनी नहीं होते हैं, ये लस्टर्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन जो हमारे नमक में होता है, और ये ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज टॉपिक, दैट वॉज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।